This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hello everybody, welcome to Gateway Solutions. कैसे हैं आप? Friends, कल हमने वीडियो डाली थी कि AWS के अंदर हम लोग RDP कैसे क्रिएट, जहां मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप EC2 इंस्टेंट मतलब Amazon के अंदर हम RDP कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले हमें अकाउंट की जरूरत होती है। अगर AWS में हमारा अकाउंट, तभी हम लोग उसके अंदर RDP क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट रहे। तो फर्स्ट है, हमें एक क्रेडिट VCC कार्ड चाहिए होगा। हमें एक VCC कार्ड चाहिए जो कि बहुत ही इजीली आप लोग ले सकते हो। उसके लिए आपने सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करनी है, वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि कैसे हमने ऐप इंस्टॉल करनी है और कैसे हम उसमें VCC कार्ड ले सकते हैं। सेकंड, हमें एक ईमेल आईडी चाहिए, वो आपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्रिएट करनी है, बट उसके अंदर आपने outlook.com यूज़ करना है। थर्ड, हमें ज़रूरत होगी AWS के अंदर अकाउंट क्रिएट करने की। तो फर्स्ट स्टेप मैं आपको मोबाइल पर दिखाता हूँ, क्योंकि जो वो ऐप है वो एंड्रॉयड के लिए होती है, तो वो पोर्शन हम लोग मोबाइल पर देखेंगे। इसी वजह से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग भी यहाँ मोबाइल पर ही की है। तो सबसे पहले हम लोग अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लें। इंटरनेट बंद है मेरा, मैं इंटरनेट ऑन कर लूँ एक बार। तो हमने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ओमनी। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है ओमनी कार्ड, ये वाला ओमनी कार्ड UPI कार्ड पेमेंट। आपने इसे सर्च कर लेना है और इस ऐप को आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। मेरे PC में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे ये ओपन का मैसेज शो हो रहा है। आप लोगों ने पहले इसे इंस्टॉल करना है, फिर आप लोग इसे ओपन करेंगे। ओके, ये मेरा स्क्रीन लॉक का पैटर्न पूछ रहा है, वो मैंने दे दिया है। यहाँ पर आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए और उसके साथ यहाँ पर अपना अकाउंट एक बार रजिस्टर्ड कर लीजिए। उसको रजिस्टर्ड करने के बाद हमने यहाँ पर कार्ड जनरेट करना है। उसके लिए हमें यहाँ कार्ड पर जाना होगा और आपने न्यू कार्ड क्रिएट कर लेना है। मेरे पास जैसे ऑलरेडी ये कार्ड बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। तो ये न्यू कार्ड का बटन है यहाँ हमारे पास। यहाँ पर आपने सेल्फ के लिए जैसे पूछ रहे हैं, आपने कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नेम एड्रेस, और वो जो नेम एड्रेस आपने डालना है वो मैं अपने ब्लॉग पर डाल दूंगा और उसका लिंक वीडियो में दे दूंगा मैं, तो वो वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चेक करवा देता हूँ अपने की, ताकि आपको फेथ हो सके कि जो मैंने यहाँ पर कार्ड आपको दिखाया है वही कार्ड। आप यहाँ से इसका कार्ड नंबर चेक कर लीजिए, एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, CVCC, ये क्या होता है CVV, ये आप चेक कर लीजिए। आगे जब मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा तो इसे ही सेम मैं यूज़ करूँगा। और आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा है इसका बैलेंस, जो कि इस समय 8 रुपीज़ है। हमें यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर 2 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू जब आप AWS के अंदर अकाउंट क्रिएट करेंगे, सिर्फ आपके 2 रुपीज़ ही डिटेक्ट किए जाएंगे। ओके, तो मैंने 10 रुपीज़ चार्ज कर लिए थे, आप 2 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, उसका कोई इशू नहीं। तो जब आपने पैसे रिचार्ज कर लिए, आपने कार्ड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने पैसे रिचार्ज कर लिए, तो आपका इस ऐप का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जाना है हमने अपने कंप्यूटर के अंदर। तो बाकी वीडियो हम लोग अपने कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ पर मिलता हूँ मैं आपसे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि जो आप अकाउंट क्रिएट करेंगे उसकी हमने एक्सटेंशन रखनी है outlook.com। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। आपने सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ओके। और जो हमें यहाँ फर्स्ट वेबसाइट शो हो रही है, इस पर हम क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेंगे। ओके, फिर हमने क्लिक करना है साइन इन पर।
नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए, क्रिएट वन पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने कार्ड के अंदर अकाउंट का नेम रखा था मोहित कुमार, तो उसी तरह का मैं नाम रखूंगा, बट हम पहले गेट ए न्यू ईमेल अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन outlook.com के अंदर ही क्रिएट करना है और हम नाम दे देंगे यहाँ पर मोहित कुमार। तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप लोगों ने ध्यान दे देना है आ रहा है, देन ओके, नहीं तो आप चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए अगर ये नेम अवेलेबल होगा, देन आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर रैंडम नंबर्स लगा के ट्राई कर लीजिए। बट अगर आपको यहाँ पर नहीं मिले तो आप क्लेम वन ऑफ दीज डेट्स अवेलेबल यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको एक 3-4 शो हो जाएंगे ऑप्शंस, इनमें जो भी आपको बढ़िया लगे उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड दे देना है इसे और क्लिक कर देना नेक्स्ट बटन पर। अब यहाँ पर हमने अपनी कंट्री डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, ये भी आप कुछ भी कर लीजिए, जेन्युइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कीजिए, नहीं तो नेवर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें सिक्योरिटी चेक आ रहा है तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब हम ये जो जिस साइड को हमारे हैंड का फेस है उसी साइड आपने इस जो भी आपको ऑब्जेक्ट शो होगा उसे टर्न कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। कई बार ये एक भी शो होता है, कई बार ये ज्यादा आता है, तो आप उसे कम्प्लीट कर लो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो, इसी का सेकेंड पार्ट है कि कैसे RDP क्रिएट होती है AWS में। वहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गया, मेरा फर्स्ट पोर्शन था जो 5-7 मिनट का, वो कट हो गया गलती से, वो मैं इसी वीडियो के अंदर ऐड करूँ। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब हम एक नए टैब में चलते हैं और यहाँ पर हम AWS का वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो आपने aws.amazon.com ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो ये सारे लिंक और स्टेप्स मैं ब्लॉग में डाल दूंगा और ब्लॉग का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आजकल YouTube पर दिक्कत आती है अगर हम ये लिंक्स वगैरह डालते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है AWS की, Amazon की। ओके, यहाँ पर हम RDP क्रिएट करेंगे के लिए हमारे को एक अकाउंट चाहिए, तो आप क्रिएट एन AWS अकाउंट पर क्लिक कीजिए, चाहे आप नीचे शो रहा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक कर लीजिए, दोनों में से कहीं भी क्लिक कीजिए, सेम ही इसका इफेक्ट है। ओके, यहाँ पर हमें मेल के लिए बोला जा रहा है, तो साइन अप फॉर AWS, तो रूट यूजर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो हमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ईमेल क्रिएट की है उसे हम डालेंगे। अगर आपको याद है तो आप सीधा टाइप कर लीजिए, नहीं तो आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नेम देना है आपने, वही दे दीजिए मोहित कुमारी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर। तो हमारी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जो हमने अपनी मेल में से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आपको टॉप राइट कॉर्नर है जो हमारा यहाँ पर डॉट्स शो हो रही है, इन पर हम लोग क्लिक करेंगे के बाद आपने एप्स के अंदर जो फर्स्ट ऐप शो हो रही है आउटलुक, इस पर क्लिक कर देना। ओके, थोड़ा भाई नेट की प्रॉब्लम है तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हमने आउटलुक पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर हमारी मेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम वेट करेंगे और AWS की जो हमें मेल रिसीव हुई है वहाँ से हम लोग कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। AWS की ईमेल हमें रिसीव हो चुकी है, इसे हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। भाई इंटरनेट स्लो है तो इसे भी थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, सो वेट करते हैं। तो ये हमें वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ है 268048, तो इसे सिलेक्ट करके आप लोग कॉपी कर लीजिए और बस अपने AWS वाले टैब में जाइए और
से यहाँ पर पेस्ट करके वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एनएम पासवर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रूट पासवर्ड, रूट यूजर पासवर्ड सेट कर दीजिए। ओके, तो ये हमने अपर केस, लोअर केस, फैशन करेक्टर और नंबर्स, इन चारों को मिक्स करके क्रिएट कर कंटिन्यू पर बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव करना है सेव कर लीजिए, नहीं तो आप नेवर पर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है बिजनेस और पर्सनल में से पर्सनल। उसके बाद आप अपना यहाँ पर नाम डाल दीजिए जो भी आपने रखा हुआ है, जैसे मोहित कुमार है। नंबर आप अपना यहाँ पर जेन्युइन ही डालिए। तो कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे पहले, तो हमने 91 इंडिया से मैं हूँ तो 91 सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। तो आप इंडिया सर्च कर लीजिए और उसे सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर अपना नंबर डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टैब में, वैसे इस नंबर पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आनी होती, पर फिर भी आप अगर जेन्युइन नंबर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने फिर अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना, जैसे हमने इंडिया सिलेक्ट कर किया। इसके बाद जो एड्रेस है, एड्रेस में सारा जो डिटेल है वो ब्लॉग में डाल दूंगा। हमने वही एड्रेस यहाँ पर डालना है जो मैं डाल रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिए। के बाद कंटिन्यू बटन पर फिर से क्लिक कर दें। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप इन्हें डिटो यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमने ओमनी कार्ड के थ्रू वीसीसी कार्ड क्रिएट किया, उसकी हम यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। ये मेरा दूसरा कार्ड है, इसे नहीं यूज कर रहा मैं यहाँ पर। नया कार्ड क्रिएट किया ओमनी कार्ड, वो उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पर डालेंगे। मैं फोन में से ऐप ओपन करके वहाँ से उसकी डिटेल निकालता हूँ और फिर यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे। कार्ड नंबर हमने डाल दिए, तो आपको भी जो कार्ड नंबर असाइन होगा वो आपने डालना है। वहीं से देख के आपने इसकी डेट डाल देनी है, एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद कार्ड होल्डर नंबर, तो हमने मोहित कुमार डाला था उधर भी, अकाउंट भी हमने मोहित कुमार के नाम से क्रिएट किया है। फिर सीवीवी नंबर होता है, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने जो एड्रेस डाला था वो यहाँ पर शो हो जाएगा, उसे सिलेक्टेड रहने दे। एन को आप नो कर दीजिए और वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो कार्ड के साथ नंबर लिंक है, वहां पर जो आपने नंबर दिया है, उस नंबर पर एक SMS जाएगा और उस SMS के थ्रू हमारे कार्ड को AWS वेरीफाई करेगा। ओके, तो हम लोग वेट करते हैं यहाँ पर। और हमारे अकाउंट से फ्रेंड्स सिर्फ 2 रुपए डिटेक्ट होंगे, आप देख सकते हो अमाउंट आ रहा है 2 रुपीज INR। और हमारे फोन पर जो हमने हमारे कार्ड के साथ लिंक है, उस पर SMS गया है, वो आपने OTP यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ओके, तो कई बार अगर OTP जाने में टाइम लगता है, जहाँ OTP नहीं रिसीव होता है, तो आप रिसेंड OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे, अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आपने रीसेंट OTP पर क्लिक करके OTP मंगवा लें। तो मैंने रीसेंट OTP पर दोबारा क्लिक किया है। अब यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है, OTP सेंड सक्सेसफुली। होपफुली अब OTP आ जाएगा, उसे हम यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा AWS पर। ओके, तो OTP हमें मिल चुका है, वहां से हमने यहाँ पर डाल रहे हैं इसे, और इसके बाद हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पर।
ओके, तो हमारे अकाउंट में से 2 रुपीज डिटेक्ट हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर अकाउंट पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम वापस आ चुके हैं AWS कंसोल का जो हमारा साइन अप पेज है वहां पर, तो वेट करते हैं पेज को लोड होने देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है, तभी मैंने आपको पीछे बोला था कि आप जेन्युइन नंबर डालिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी को कंफर्म करेगा AWS। ओके, तो हमने यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डालना है और सिक्योरिटी चेक जो ही हमें कैप्चे शो रहा है इसे हमने टाइप करना है और हमारा वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। एक कोड आएगा, उसे आपने यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, तो मैं कोड डाल रहा हूँ, अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। ओके, तो हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है पर्सनल यूज, ऑनरशिप टाइप में हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल और उसके बाद फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर हम रखेंगे फ्री सपोर्ट, फ्री वाला अकाउंट और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंप्लीट साइन अप पर। ओके, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमें मैसेज आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जाएंगे हम कंसोल के अंदर, तो आप क्लिक कीजिए गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल बटन पर। यहाँ पर हम पेज को लोड होने देते हैं पूरी तरह से और तब तक वेट करते हैं। अब हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम सीधा क्लिक करेंगे साइन इन टू द कंसोल बटन पर। ओके, यहाँ पर हमने डालनी अपनी रूटे ईमेल जो हमने क्रिएट की थी मोहित कुमार वन। ओके, यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं mohitkumar12346@outlook.com। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। फिर आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है जो भी आपने इस अकाउंट को दिए। फिर आप क्लिक करेंगे साइन इन पर, हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और सक्सेसफुली हम इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर कम से कम 5 से 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद हम लोग अपनी RDP क्रिएट करेंगे। तो मैं तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आपसे 15-20 मिनट के बाद दोबारा मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे अकाउंट बने हुए लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो अकाउंट हमारा बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर RDP क्रिएट करके दिखा। तो हमने EC2 पर क्लिक करना है, अगर यहाँ पर आपको शो हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो आपने यहाँ सर्विसेज पर क्लिक करना है। सर्विसेज के अंदर कंप्यूट के अंदर EC2। थोड़ा नेट इंटरनेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लो चल रहा है, लोड होने देते हैं, तब तक हम लोग वेट करेंगे। ये थी हमारी वीडियो की हमने AWS को यूज करते हुए RDP कैसे क्रिएट करनी है। उसका फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हम AWS अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पोर्शन में, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे इंस्टेंट लॉन्च करते हैं, मतलब RDP वर्चुअल मशीन कैसे AWS में क्रिएट की जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।